हेलो दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त दोस्तों हमारे वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दोस्तों आज बात करेंगे कि गर्भवती महिलाएं नवरात्रि का व्रत करें या ना करें यह सवाल मन में हर किसी को हो रही होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा तो जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो देखिए शुरुआती के जो तीन महीने की गर्भ होती है उस दौरान बिल्कुल भी, भी व्रत के बारे में न सोचें क्योंकि इस समय आपके शिशु का विकास होता है गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण की सख्त जरूरत होती है प्रेगनेंसी में शिशु को मां के आहार से ही पोषण मिलता है और शिशु के लिए किसी भी तरह से न्यूट्रिय की कमी खतरनाक हो सकती है ऐसे में जरूरी होता है कि गर्भवती महिलाएं अच्छी डाइट लें पहली तिमाही में तो बिल्कुल भी व्रत ना रखें आप माता रानी की सुबह शाम पूजा पाठ करें चालीसा पढ़ें आरती करें किंतु उपवास ना रखें दूसरी तिमाही में अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं लेकिन उसके लिए बहुत सावधानी रखनी होगी अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी होगी ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो नारियल पानी फलों का जूस इत्यादि का सेवन कर सकती हैं ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने पाए वर्त रखने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामना तो दोस्तों हमारे और भी वीडियो आप देख सकती हैं इस वीडियो के अंत में दिए हुए हैं और आई बटन भी आप देख सकती हैं ऊपर में दिए गए हैं धन्यवाद